आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण थाना फुलपुर पुलिस ने हत्या का अनावरण करते हुए दो शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। घटना में प्रायुक्त मोटरसाइकिल पल्सर सहित दो अन्य तमंचा व दो अदद कारतूस, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। किशन पटेल और जीत बहादुर पटेल को गोली लगी थी, जिसमें जीत बहादुर की मृत्यु हो गई थी, उसी का फुलपुर पुलिस ने वर्कआउट किया है, जिसमें दो अभियुक्त पकड़े गए हैं, प्रिंस राय और निखिल यादव, और इसमें दो अभी वांछित चल रहे हैं। इनके पास से दो असलाह बरामद हुए हैं और कुछ पैसा बरामद हुआ है, जो इन्होंने एक असलाह खरीदने के लिए लिया हुआ था। ये सभी अपराधी जौनपुर के रहने वाले हैं। पर घटना का मुख्य कारण क्या था? घटना का कारण ये था कि जो मृतक है और जो घायल है, इन लोगों ने एक असलाह बेचने के लिए इनसे सौदा किया हुआ था, जिसका पैसा भी इन्होंने लिया। बाद में ये या तो इनके पास शस्त्र था नहीं, अथवा बेईमानी के कारण वो शस्त्र भी नहीं दिया और पैसा देने में भी आनाकानी कर रहे थे। उसी में इन दोनों लोगों में और बाकी चार लोगों में झगड़ा हुआ और उसी में गोली से इनकी मृत्यु हुई। इन सब में से किसी का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग एज क्या रही होगी सर? इन लड़कों की एज 19 साल से लेकर के और 23-24 साल तक। इसमें जितने लोग संलिप्त थे सर, इसमें क्या कोई सभी लोग पकड़े जा चुके हैं या कोई फरार भी है? अभी दो लोग पकड़े नहीं गए हैं, एक इसमें आकाश मौर्यानी पकड़ा गया है और दूसरा शाकुर अली या साकिब अली, वो नहीं पकड़ा गया। सर क्या पूछताछ में सब पता चला कि क्या और भी तस्करी करते थे या फिर अभी पहली बार इनकी थी? अभी तक की पूछताछ में इन्होंने और किसी असलाह तस्करी की बात नहीं स्वीकार की। जी एक क्वेश्चन और है सर, आप ये बता सकते हैं सर, ये जो असल है देहात में आ रहा है, ये इतने ज़्यादा असल है जो लोगों के बीच में कल भी एक घटना हुई है, तो ये असल है कहाँ से आ रहे हैं देहात में? जो ऐसी घटनाएं पहले नहीं होती थी अब बढ़ रही है। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास सूचना नहीं है कि असलहे कहाँ से आ रहे हैं। वो सूचना जब होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे।